कम्युनिकेशन एक बहुत ही फंडामेंटल एस्पेक्ट है। अगर हम इंसान हैं तो हमें कम्युनिकेशन आता है। कोई भी हमारा रंग है, हम कोई भी जगह रहते हैं तो कम्युनिकेशन बहुत ही बेसिक है, क्योंकि अगर लाइफ है और हम अगर सोसाइटी में रहते हैं तो हमें कम्युनिकेशन करना आता है। तो इसलिए हम इसको बिल्कुल टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि भाई कम्युनिकेशन तो है, नॉर्मल है, वार्तालाप करना ही तो है। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा डीप है और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आज बताता हूं। कम्युनिकेशन सिर्फ वार्तालाप करना नहीं है, कम्युनिकेशन में दूसरे को समझना, अपने आप को समझना और अपनी बात अपने आप को समझाना और अपनी बात किसी दूसरे को समझाना, ये सब इसमें शामिल है। और कम्युनिकेशन हम लोग इतना ज्यादा ध्यान देते नहीं उस पर, क्योंकि हमें लगता है ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, क्योंकि हर कोई कम्युनिकेट कर लेता है और कम्युनिकेशन ऐसा क्या बड़ी चीज कर सकता है। लेकिन अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करें तो आपको ये बात पता चलेगी कि जितने भी बड़े कार्य हुए हैं, या कोई आपको अगर बड़ा इंसान दिखता है या आपका कोई आइडियल है, आपको ऐसा बनना है, तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन से ही बना है। और कम्युनिकेशन सिर्फ दूसरों से नहीं होता, तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बड़ी बात है वो है अपने आप से कम्युनिकेशन करना। हम अगर कुछ सोचते भी हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने आप से वार्तालाप कर रहे हैं। आपने देखा होगा हम सब की जो काबिलियत है बिल्कुल एक सी है, लेकिन कुछ लोग ज्यादा कार्य कर पाते हैं, कुछ लोग ज्यादा कार्य नहीं कर पाते और कुछ लोग कुछ भी नहीं कर पाते। इनमें जो फर्क आता है वो सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि कुछ लोगों ने अपने आप को ये कन्विंस करा दिया कि वो बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं और उन वो अपने आप को मेहनत करवा पाते हैं, वो अपने आप को वो एफर्ट्स करा पाते हैं जो और लोग नहीं करवा पाते। कुछ लोग जो आराम अगर करना चाह रहे हैं और लेकिन उन्हें कुछ कार्य करना है तो वो अपने आप को कन्विंस कर देते हैं, नहीं आपको उठना है, आपको बहुत मेहनत करनी है और जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है या आपका माइंड आपको अलाउ कर रहा है, आपको उससे भी ज्यादा एफर्ट्स करने हैं। और फिर वो एफर्ट्स करते रहते हैं, लगातार एफर्ट्स करते रहते हैं, हार नहीं मानते और फिर वो अपने कार्य में जीत जाते हैं, उनको वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये बात भी तो अपने आप से कम्युनिकेशन था। तो अगर आप अपने आप से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप अपने आप को राइट चीजें जो सही बातें हैं वो अपने आप से करवा सकते हैं, तो आपने अपने आप से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन किया है। तो सबसे पहली बात ये होती है कम्युनिकेशन की। और जब दूसरी बात ये आती है कि जब आप अपने आप को कन्विंस करा सकते हैं तो आप दूसरे को भी कन्विंस करा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लीडरशिप स्किल। तो लीडरशिप स्किल में क्या होता है कि आप जो दूसरों की शक्तियां हैं वो बाहर निकाल के लाते हैं, आप दूसरों से वो कार्य करा सकते हैं जो दूसरे भी नहीं सोच सकते थे कि वो ये कार्य कर सकते हैं। तो अगर आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना है, जीवन में सफलता पानी है या कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो आप हमेशा से सोचते थे और जो अब तक नहीं कर पाए हैं, तो आपको सबसे पहले बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना पड़ेगा। और कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना आना चाहिए। तो वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है और अगर आपने वो कर लिया तो आपकी जो पहला कदम जो आपने कम्युनिकेशन की तरफ या अच्छा कम्युनिकेटर बनने की तरफ जो आपको पहला कदम जो बढ़ाना था वो आपने बढ़ा दिया।